Welcome to our channel, The Academy by Love. In today's video, we will be studying another chapter of macroeconomics in class 12th, that is money. ये जो chapter है money का, ये आपकी 12th class की macroeconomics की book में सबसे easiest chapter है, काफी easy chapter है. तो चलिए शुरू करते हैं. Anything which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. Money होती क्या है? पैसा होता क्या है? वो कोई भी चीज जिसको हमने as a medium of exchange accept कर लिया है, that is money. अगर हम पुराने time की बात करते हैं, वहाँ पर सोने की गिनियाँ चलती थी, चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो उस time as a medium of exchange accept किए जाते थे, तब वो उस time की money थे. आज के time पे paper currency हो गई, छोटे coins हो गए, ये सारे हमने medium of exchange की तरह accept करे हुए हैं, तो आज हम इसे money कहते हैं. In the olden days, goods were exchanged for goods which caused many problems in an efficient system of exchange. पुराने time में हम लोग क्या करते थे, हम goods के बदले goods देते थे. जब money का invention नहीं हुआ था, तब एक चीज खरीदने के लिए हमें दूसरी चीज बेचनी पड़ती थी, तो जिससे जो exchange का system था वो काफी efficient नहीं था, काफी खराब था. लेकिन आज जब हमने money का system develop कर लिया है, तो इसकी वजह से हमने आज अपने जो international system है exchange का, उसको काफी ज़्यादा बेहतर कर लिया है, बहुत ज़्यादा efficient कर लिया है. फंक्शंस क्या होते हैं मनी के? इनिशियली मनी वाज इन्वेंटेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जब शुरुआत में मनी को बनाया गया था या मनी का इंट्रोडक्शन किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, तब मनी को सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ही यूज किया जाता था. यानी कोई भी वो चीज है मनी जो कि हमें एक गुड या दूसरे गुड को खरीदने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं मनी की फॉर्म में उसको खरीद सकता हूँ, कोई चीज बेचनी है तो मैं मनी लेके उसको बेच सकता हूँ. तो एक्सचेंज का मीडियम क्या था? मनी था. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मनी के यूजेस को हमने और डेवलप किया, मनी को और डेवलप किया. आज के टाइम पे मनी के फंक्शंस क्या हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू. हम मनी को, हम अपनी वैल्यू को सेव कर सकते हैं मनी की फॉर्म में. हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी हम वैल्यू कमाते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं. बैंक में सेव करना बहुत आसान है, हम अपने घरों में उसको सेव कर सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में सेव कर सकते हैं. मतलब जो भी वैल्यू है हम उसको ईजिली सेव कर सकते हैं. यानी मनी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है सेविंग का. मेजर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी गुड, किसी भी सर्विस की वैल्यू को मनी के टर्म्स में नाप सकते हैं. पहले ये करना पॉसिबल नहीं होता था. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आज हम देखते हैं कि हम ये बोलते हैं कि जो उधार जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो किसी भी इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. तो ये मनी का ही इवोल्यूशन जब से हुआ है, तब से ही ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो पा रहे हैं. हम फ्यूचर पेमेंट्स के लिए डील्स कर लेते हैं. हम आज सामान लेकर, आज डिलीवरी लेकर, एक साल बाद, एक महीने बाद, दस साल बाद का हम पैसा पे करने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से. नाउ आते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे. क्या है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इंसान काफ़ी टाइम से इस अर्थ पर रह रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मनी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, आई एम सॉरी, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है. बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ये एक वो सिस्टम है जहाँ पे गुड्स को ही गुड्स के लिए एक्सचेंज किया जाता था. कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कोई क्लोथ खरीदना है तो मेरे को कोई चीज बेचनी पड़ेगी. क्यों बेचनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर अभी तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था. देयर इज नो मनी इन दिस सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज. इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज या कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं. इस सिस्टम के अंदर ऐसा होता था, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक पर्सन को राइस सेल करना है, उसे चावल बेचना है, तो उसको एक ऐसा पर्सन देखना पड़ेगा जो सेम टाइम पे क्लोथ बेच रहा हो और उसको राइस खरीदना हो. यानी यहाँ पे हमें देखना है कि एक बंदे को, जैसे मुझे राइस बेचने हैं और क्लोथ खरीदना है, तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको क्लोथ बेचना हो और राइस खरीदना हो. तो इसे हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि ये हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी दुनिया है और जहाँ भी, जिस भी सिटी के अंदर ये बात हो या किसी भी देश के अंदर बात हो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था. ये बहुत ही रेयर फेनोमेना होता था कि ऐसा होता था. टू मेक एक्सचेंज मोर एफिशिएंट, मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड. एफिशिएंट करने के लिए एक्सचेंज को, एक्सचेंज के सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने मनी की इन्वेंशन करी.
Now drawbacks of barter system and their elimination. कि हमने देखा कि barter system क्या है. Barter system एक ऐसा system है जिसके अंदर हम goods को goods के लिए exchange करते थे. इसके बहुत सारे drawbacks थे और वो सारे drawbacks money ने क्या करे हैं, money ने खत्म करे हैं. तो अगर हम एक बार देखें कि जो money के functions थे, that means medium of exchange, store of value, transfer of value and standard of deferred payment, ये चारों ही जो function हैं, ये बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे. कि बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना ही कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, ना ही कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू थी, ना ही ट्रांसफर और स्टोर बहुत इजीली हो पाती थी स्टोरेज, और ना ही हम कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट या फिर डेफर्ड पेमेंट्स कर सकते थे. तो चलिए पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे. सबसे पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ये बार्टर सिस्टम की सबसे प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है. इसका मतलब होता है कि एट द सेम टाइम टू पर्सन्स आर इन पोजीशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स. एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन दो लोगों के पास वही दो गुड्स होने चाहिए जो वो बेचने और खरीदने चाहते हैं. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट था, एक ऐसा पर्सन ढूंढना ताकि हम ये ट्रांजेक्शन कर सकें जिसको मेरी चीज़ चाहिए और वही चीज़ बेचनी है जो मुझे खरीदनी है. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था ढूंढना. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड एज मैनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज सेपरेटेड एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज. हमने क्या देखा, जब से मनी आई है, मनी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उसने क्या कर दिया है, उसने मनी क्या हुई है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के सामने आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सेपरेट हो गए हैं एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज. अब आपको अगर कुछ खरीदना है तो आपको उस टाइम कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा होना ज़रूरी था. अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको कोई चीज़ बेचनी भी पड़ेगी. तो ये जो सेल और परचेज के जो काम एक साथ हो रहे थे, इसको मनी ने बिल्कुल अलग अलग कर दिया है. लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम के अंदर कोई भी एक ऐसी यूनिट नहीं थी जो वैल्यू को नाप सके, जो कॉमन हो. क्या करना पड़ता था, आपको अगर घोड़े खरीदने हैं और वीट बेचना है, तो आपको पहले ये बहुत मुश्किल होता था नापना कि मैं कितने वीट के लिए कितने घोड़े मिलेंगे मुझे, या कितने घोड़ों पे कितना वीट मिलेगा. फिर कभी वीट और क्लोथ बेचना है, कभी घोड़े और क्लोथ का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. लेकिन जब से मनी आई है, अब आप किसी भी चीज़ का प्राइस बहुत आसानी से, किसी चीज़ की वैल्यू बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको कार खरीदनी है, ठीक है, 10 लाख की कार है, ओके. आपको फ़ोन खरीदना है, 12,000 का फ़ोन है. मतलब आप कोई भी चीज़, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, 1 रुपये तक की चीज़ को आप मनी के अंदर वैल्यू कर सकते हैं. डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स. बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करें. जैसे लेकिन जब से मनी का एवोल्यूशन हुआ है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, ये फ्यूचर पेमेंट्स होने लगी हैं. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी ईजी है समझना. डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम के अंदर सेविंग्स करना स्टोरेज के मुताबिक ही होता था. अगर आपको सेविंग करनी है, तो आपको गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा, और गुड्स को स्टोर करना मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट आएगी, और आपको एक डर भी रहेगा कि हो सकता है जो आप उसको स्टोर कर रहे हैं उस टाइम वो चीज़ ख़राब हो जाए. आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, मेरे को, मैंने जो इनकम कमाई है, मुझे वो स्टोर करनी है, तो मैं जाके बैंक में उसको सेव कर लूँगा, उसमें कोई मेरे को ऊपर कॉस्ट नहीं आएगी. लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, आपने घोड़े खरीदे हैं, अब उन घोड़ों को आपको स्टोर करना है, आपको उसके लिए स्टेबल बनवाना पड़ेगा, आपको उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है. अगर आपको आज सेविंग करनी है, आपको अगर ट्रांसफ़र करना है वैल्यू का, आप घर बैठे बैठे एक बटन दबा के अपने फ़ोन पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में मनी बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज को रिप्लेस कर चुकी है. अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, कि मनी कितने टाइप की होती है. मनी को हम जनरली 4 टाइप में पढ़ते हैं, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. फिएट मनी, ये वो मनी होती है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी दी गई होती है, जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बनाया होता है. जो भी हम करेंसी नोट्स एंड कॉइन जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, वही होते हैं फिएट मनी. जब हमने देखा था कि 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे थे, तब ये कहा गया था कि आने वाली 12 बजे के बाद, यानी रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे. दैट मीन्स कि वो 500 के पुराने नोट और 1000 के पुराने नोट अब फिएट मनी नहीं रहेंगे. दूसरा जो फॉर्म है, दैट इज़ फिड्यूशरी मनी. फिड्यूशरी मनी हम उस मनी को कहते हैं
जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके बीच में? पेयर के बीच में और पेई के बीच में। पेयर कौन? जो पैसा देगा। पेई कौन? जिसको पैसा मिलेगा। उन दोनों के बीच का जो ट्रस्ट होता है उसके बेस पे जो हम किसी भी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं दैट इज फिड्यूशरी मनी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है चेक्स। चेक गवर्नमेंट इशू नहीं करती और वो किसी भी दुकान पे नहीं चल सकते तब तक जब तक आपके बीच में और जिसको आपको पैसा देना है उसके बीच में ट्रस्ट ना हो और आपने म्यूचुअल अग्रीमेंट से चेक को लेने के लिए अग्री ना किया हो। सेकंड इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। इन विच कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। यानी जिस भी चीज से वो मनी बनी है और जो भी जितनी भी उसकी मनी वैल्यू यानी मार्केट में वो कितने रुपए के लिए ट्रांजैक्ट होगी जब वो एक दूसरे के बराबर होते हैं तब हम इसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। वहीं पे क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी इसका उल्टा होती है जहां पर कमोडिटी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है मनी वैल्यू से। दैट मीन्स मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। मैं बात करता हूं आज 2000 रुपए के नोट की, उसका जो कागज है उसके अंदर जो इंक लगती है वो 2000 रुपए तक की नहीं होगी यानी कमोडिटी वैल्यू काफी कम होगी, लेकिन जो उसकी मार्केट में वैल्यू है जो उसकी मनी वैल्यू है वो कितने रुपए के लिए ट्रांजैक्ट होगी, मैं उससे कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ वो है 2000। वो काफी ज्यादा है। यानी जो नोट्स होते हैं जो करेंसी होती है हमारी वो आती है क्रेडिट मनी के अंदर। अगर हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की, इसमें कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर है। जैसे पुराने टाइम में सोने के सिक्के चला करते थे तो उनकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू उस टाइम बिल्कुल बराबर हुआ करती थी। दैट मीन्स वो फुल बॉडीड मनी के अंदर आते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है, कितना स्टॉक है मनी का, उसे बोलते हैं हम सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि हम इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नाप रहे हैं दैट मीन्स ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमने नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स में स्टॉक और फ्लो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट एज दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी। बैंकिंग सिस्टम के पास यानी आरबीआई के पास और कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है, जो स्टॉक ऑफ मनी होती है, और जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है उसे हम सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं। कौन करता है मनी सप्लाई? वो तीन बॉडीज हैं हमारी कंट्री के अंदर। सबसे पहला कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, जो कमर्शियल बैंक्स का जो सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर। दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के सभी बैंकों में एपेक्स बैंक होता है, सारे बैंक्स में एपेक्स बैंक होता है। और तीसरा हमारी गवर्नमेंट। ये तीनों क्या होते हैं? ये सप्लायर ऑफ मनी होते हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। चैप्टर बहुत ही छोटा है। जो आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया है दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। देयर आर फोर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत के अंदर मनी सप्लाई को नापने के चार मेजर्स हैं। क्लास 12th के अंदर सिर्फ M1 ही डिस्कस किया गया, इसलिए इस वीडियो में भी हम सिर्फ M1 के बारे में ही बता रहे हैं। मेजर 1 या फिर M1 ये होता है C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जिसके अंदर आते हैं नोट्स एंड कॉइन्स। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसके अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ऑन योर डिमांड। और ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं यानी आप इनके बदले चेक्स को भी इशू कर सकते हैं। आप अपने डिमांड में पैसा डाल सकते हैं, इनके अंदर जब आपका मन हुआ पैसा निकाल सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चेक्स इशू कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो आपकी फैमिली में और हमारी फैमिली में जो लोग अपनी बैंक में सेविंग करते हैं वो सारा DD के अंदर आता है, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आता है। जो थर्ड कॉम्पोनेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, दैट इज OD यानी अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स इनके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है वो डिमांड डिपॉजिट्स जो RBI के पास है, लेकिन वो किसके हैं? वो जनरल पब्लिक के नहीं है, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं जैसे नाबार्ड के। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI के पास वो भी डिमांड डिपॉजिट्स जो फॉरेन बैंक्स, जो
इंडिया के बाहर के बैंक्स हैं, जो किसी दूसरी कंट्री के बैंक्स हैं, और किसी दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के जो डिमांड डिपॉजिट्स भारत के अंदर होते हैं वो भी अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं, और तीसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और RBI के अंदर जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो भी अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे कोई भी पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, वो अलग से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, ना ही वो RBI का है, ना ही वो कमर्शियल बैंक का है, और ना ही वो गवर्नमेंट का है, वो एक अलग से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। जो RBI के पास जो डिपॉजिट है पैसा, वो या तो नाबार्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट का, या उस कंट्री के फॉरेनर बैंक्स का है, या फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही ईजी टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।